गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मी रेनू तंबोली फ्रॉम एलपीएस. सो चिल्ड्रन, इन दिस वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू टीचिंग यू साइंस चैप्टर, चैप्टर नंबर थर्ड. नेम ऑफ दिस चैप्टर इज वाइल्ड एनिमल. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट वाइल्ड एनिमल्स एंड होम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड हाउ टू वी कीप देम सेफ. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट टू रीड आवर चैप्टर. As you can see on your screen, wild animals, chapter number third. Okay, now key terms dekho chapter mein kya kya hoga. Number one, wild animals, that means wild animals kise kehte hain, kaun kaun se hote hain. Wild matlab kya hota hai? Wild animals matlab jangli janwar jo kahan rehte hain, jungle mein rehte hain. Ab wild animals ka name aate hai aapke mind mein aana chahiye, kya aayega कि वाइल्ड एनिमल्स कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं. ओके, दे लिव इन फॉरेस्ट. एंड नेम क्या होगा जो वाइल्ड एनिमल्स है? जैसे फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं? लायन रहता है, एलिफेंट रहता है, और कौन रहता है? ज़ेब्रा रहता है, जिराफ रहता है ना, एक्सेट्रा जो भी है, वो सारे एनिमल्स रहते हैं. अब नेक्स्ट देखो, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके होम्स के बारे में, उनके घर के बारे में भी रीड करेंगे. जैसे लायन कहाँ रहता है? डेन में रहता है. बर्ड्स कहाँ रहती है? नेक्स्ट पे रहती है. जो एनिमल्स होते हैं उनके अपने होम्स के बारे में भी हम रीड करने वाले हैं, ठीक है. और जैसे एलिफेंट होता है वो कहाँ रहता है? एलिफेंट कहाँ रहता है? जो फॉरेस्ट में है, फॉरेस्ट में पूरी जगह पे क्या कर रहता है? वंडरिंग करता रहता है, घूमता रहता है, विचरण करता रहता है. ओके, सो होम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ये भी हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं. नंबर थर्ड, ईटिंग हैबिट्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स के खाने की आदतों के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है. और सेव वाइल्ड एनिमल्स, मतलब वाइल्ड एनिमल्स को, जंगली जानवरों को सेव कैसे रखा जाता है. अब ये बात आगे, मैम, वाइल्ड एनिमल्स को सेव भी रखना इंपॉर्टेंट होता है? यस, इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू सेव दैम, बिकॉज आपको पता है जैसे लायन हो गया, लायन को भी हमें सेव रखना पड़ता है, एलिफेंट्स को भी हमें सेव रखना पड़ता है. क्यों? क्योंकि हम अपना जो एलिफेंट है, ये क्या है? अपना नेशनल हेरिटेज एनिमल है, ठीक है. इसे नेशनल हेरिटेज एनिमल किसने इसे ना घोषित कर रखा है कि नेशनल हेरिटेज एनिमल है, क्योंकि हर एक एनिमल की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है. अब इन्हें सेव रखना क्यों जरूरी होता है बेटा? क्योंकि ये जो हंटर्स होते हैं, जो शिकारी होते हैं, वो जंगल में इनका शिकार करते हैं, ठीक है. तो उनसे क्या होते हैं? एनिमल्स मर जाते हैं और धीरे धीरे इनकी जो बोलते हैं ना कि ये विलुप्त होते जा रहे हैं. तो इन्हें सेव करना जरूरी है. अगर हम इसे हम इन एनिमल्स को सेव नहीं करेंगे, हम इन्हें नहीं सुरक्षित रखेंगे, हम इन्हें बचाएंगे नहीं, तो क्या होगा? एक समय ऐसा दिन आएगा कि हमें ये सारे एनिमल्स देखने को नहीं मिलेंगे. जैसे एलिफेंट्स भी नहीं मिलेंगे अगर हम इन्हें सेव नहीं रखेंगे, तो लायंस भी नहीं मिलेंगे, ठीक है. ये सारे एनिमल्स भी जरूरी है इन्हें सेव रखना. ओके, सो आप समझ गए इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. नंबर वन, वाइल्ड एनिमल्स के बारे में. सेकेंड, उनके होम्स के बारे में. थर्ड, ईटिंग हैबिट्स के बारे में. और फोर्थ है, उन्हें सेव कैसे रखा जाता है और क्यों इंपॉर्टेंट है उन्हें सेव रखना. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. आप देखो क्या है. करण एंड किम वेंट ऑन अ सफारी टू अ फॉरेस्ट विद देयर पेरेंट्स. करण और किम दो बच्चे हैं जो सफारी, मतलब अपनी गाड़ी में फॉरेस्ट गए थे अपने पेरेंट्स के साथ में. दे सॉ अ नंबर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स. उन्होंने क्या देखा? बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स देखे थे. कहाँ देखे थे? फॉरेस्ट में देखे थे. सम एनिमल्स वर बिग एंड सम वर स्मॉल. कुछ एनिमल्स बड़े होते हैं तो कुछ एनिमल्स छोटे होते हैं. ओके, अब देखो, जो करण और किम ने एनिमल्स देखे थे वो कुछ तो बहुत बड़े एनिमल्स थे और कुछ बहुत ज्यादा छोटे एनिमल्स थे. ओके, अब देखो एक्टिविटी टाइम कर लेते हैं. छोटी सी एक्टिविटी है, बहुत इजी है, यहाँ पर ना आसानी से कर लोगे. क्या है एक्टिविटी? लुक एट द पिक्चर बिलो. नीचे जो भी पिक्चर है उसे देखो. आइडेंटिफाई द एनिमल्स एंड द राइट करेक्ट नंबर्स अगेंस्ट देयर नेम्स. मतलब ये नेम्स दिए हुए हैं और इनके जो नेम्स को पहचान कर आपको पिक्चर आइडेंटिफाई करनी है और एनिमल्स के नेम के सामने उसके नंबर लिखना है. वन हैज बीन डन फॉर यू. पहला एक आपके लिए किया हुआ है. यहाँ पे मंकी, मंकी का है देखो, ये रहा मंकी के पास नंबर वन लिखा है तो यहाँ पे वन. सेकेंड है लॉयन, ये रहा लॉयन. लॉयन के पास क्या लिखा है? टू, तो यहाँ पे लिखना है टू. ओके, थर्ड देखो क्या है? बियर. बियर कहाँ है? बियर कितने नंबर पर है? देखो बियर है
बियर और डियर देखो कितने नंबर पे है। यस देखो बियर काम पे है, बियर मतलब क्या होता है भालू, येरा, ये कितने नंबर पर है, फाइव नंबर पे, तो यहाँ पे लिखना है फाइव। ओके ओके अब नेक्स्ट वन देखो डियर, डियर मतलब हिरन, हिरन कितने नंबर पे है, नंबर थ्री, तो यहाँ पे थ्री नंबर लिखना है। यस एलिफेंट, एलिफेंट पे देखो क्या नंबर दिया है, फोर, तो एलिफेंट के नेम के आगे क्या आ जाएगा, नंबर फोर। कट इट, इजी थी ना ये एक्सरसाइज। अब देखो क्या है, नेक्स्ट पेज पे मूव करना है। यस फर्स्ट देखो क्या है, वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर कौन कौन से होते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। नंबर वन क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज वाइल्ड एनिमल, व्हाट है ना, व्हाट इज कॉल्ड या व्हाट आर द वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स क्या कौन से होते हैं, क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, है ना। तो क्या होगा वाइल्ड एनिमल्स का, एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स, जो जानवर जंगल में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जंगली जानवर कहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। अब वाइल्ड एनिमल्स कौन कौन से, नंबर वन लायन, टाइगर, आउल, एलिफेंट, डियर, जिराफ, ज़ेब्रा एंड राइनोसोरस आर द वाइल्ड एनिमल्स। एज यू कैन सी हियर देयर पिक्चर, टाइगर हो गया, आउल हो गया, ज़ेब्रा हो गया और राइनोसोरस हो गया, जिसके एक बड़ा सा क्या होता है, हॉर्न होता है यहाँ पे। ओके ये सारे क्या है, वाइल्ड एनिमल्स है, जंगल जंगली जानवर है, क्यों है, क्योंकि ये जंगल में रहते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, होम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स के घर के बारे में पढ़ना है कि कहाँ कहाँ रहते हैं। वाइल्ड एनिमल्स लिव ऑन लैंड, ऑन ट्रीज एंड इन वॉटर इन अ फॉरेस्ट। जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो लैंड पे मतलब धरती पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, ट्री पे रहते हैं मतलब पेड़ों पे भी रहते हैं, और पानी में भी रहते हैं, कहाँ, जंगल में। जो जंगली जानवर होते हैं वो जंगल में थल, जल और पेड़ों पे वास करते हैं, रहते हैं, निवास करते हैं। ओके सम एनिमल्स मेक होम एंड सम डू नॉट, दैट मींस कुछ एनिमल्स तो क्या करते हैं, होम बनाते हैं और कुछ अपना होम नहीं बनाते हैं। जैसे कि कौन होम नहीं बनाता है, अपना एलिफेंट होता है वो होम नहीं बनाता है, जो ज़ेब्रा होता है वो भी अपना घर नहीं बनाता है, और जो डियर होते हैं वो भी अपना घर नहीं बनाते। क्यों, क्योंकि ये अपना, इन्हें घर बनाने की जरूरत नहीं होती है, इनका नेचर ही ऐसा होता है, व्यवहार इनका ऐसा होता है कि पूरे जंगल में घूमते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, वंडर करते रहते हैं। ठीक है, घुमंतु एनिमल्स होते हैं जो एक जगह पर टिक नहीं सकते, ये वैसे एनिमल्स होते हैं। जैसे कि एनिमल्स लाइक जिराफ, एलिफेंट, डियर एंड ज़ेब्रा वंडर इन द फॉरेस्ट। अभी मैंने आपको बताया जैसे जिराफ, एलिफेंट, डियर, ज़ेब्रा, ये सारे वंडर मतलब घूमते रहते हैं पूरे जंगल में, घुमंतु होते हैं। इनको अगर रेस्ट करना होता है तब ये जो पेड़ की छाया होते हैं ना उसके नीचे खड़े हो जाते हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, है ना। दे टेक रेस्ट अंडर द शेड ऑफ ट्रीज। ओके वो क्या करते हैं, जो शेड होती है, जो छाया होती है पेड़ के नीचे, उसके नीचे आराम आराम करते हैं। ठीक है, अगर वो थक जाते हैं घूमते घूमते तो आराम करने के लिए कहाँ चले जाते हैं, पेड़ों के नीचे। अब देखो एनिमल्स के होम्स के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है, लायन दिख रहा है आपको, लायन का ये हाउस है, इसे क्या कहते हैं, डैन। अ लायन लिव्स इन अ डैन, डैन मतलब क्या होती है, गुफा। ओके नेक्स्ट देखो, अ बियर लिव्स इन अ केव, केव भी क्या होती है, ऐसी गुफा ही होती है। दोनों गुफाओं में क्या फर्क होता है, जो लायन होता है ना उसकी गुफा ऐसी पूरी थोड़ी बड़ी होती है ना, जो हेमिस्फेयर नहीं होता, आधा आधा सर्कल होता है ना उसकी शेप में होती है, थोड़ा बड़ा होता है एंट्रेंस उसका। और जो भालू होता है, जो बियर होता है, उसका एंट्रेंस क्या होता है, छोटा सा होता है। भालू क्या बाहर मुंह करके सोता है, अपना बॉडी का आधा पार्ट होता है पीछे, लो तो अपनी गुफा में रखता है और जो मुंह होता है वो बाहर रखता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा होता है साइज में, इसलिए अपनी पूरे गुफा में फिट नहीं आ सकता, इसलिए ऐसे सोता है। और देखो जैसे ये है स्नेक हो गया और मोल हो गया, जैसे स्नेक एंड मोल्स लिव्स इन हॉल्स मतलब छिद्रों में, खड्डों में रहते हैं, छेदों में रहते हैं, जैसे स्नेक और मोल्स हो गए।
अब नेक्स्ट देखो, आपको क्या दिख रहा है? बर्ड्स. अ बर्ड मेक्स अ नेस्ट ऑन अ ट्री. जो बर्ड्स होती है वो अपना घोंसला ट्री पे बनाती है, अपना घर कहाँ बनाती है? पेड़ों पे बनाती है बर्ड्स. ओके, और ये देखो ये क्या आ गया, ये हिप्पोपोटामस एंड द क्रोकोडाइल कैन लिव बोथ ऑन द लैंड एंड इन वॉटर. जो क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल को क्या कहते हैं? मगरमच्छ. इतना क्रोकोडाइल और जो हिप्पोपोटामस होता है, ये दोनों क्या करते हैं? ये पानी में भी रह सकते हैं और पानी से बाहर जमीन पे भी रह सकते हैं. ओके, समझ में आया कि सारे एनिमल्स कहाँ कहाँ रहते हैं? तो अभी तक तो क्या पढ़ा हमने? वाइल्ड एनिमल्स के बारे में पढ़ा, वो वाइल्ड एनिमल्स कौन कौन से होते हैं उनके नेम्स जाने और उनके होम्स के बारे में पढ़ा. अब थोड़ी सी एक्टिविटी कर लेते, छोटी सी एक्टिविटी. दिस एक्टिविटी हेल्प यू टू रिकॉल दिस लेसन. फर्स्ट देखो क्या है, राइट यस राइट यस फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट एंड नो फॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. जो सही स्टेटमेंट दिया है उसके आगे तो यस, और जो इनकरेक्ट उसके आगे रॉन्ग. जैसे वाइल्ड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट. जो वाइल्ड एनिमल्स है वो फॉरेस्ट में रहते हैं, बताओ हाँ कि ना? यस या नो? यस, वाइल्ड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट, तो यहाँ पे यस आएगा. नेक्स्ट देखो, हिप्पोपोटामस लीव्स ऑन ट्री. क्या हिप्पोपोटामस ट्रीज पे रहता है? नहीं, वो तो पानी में भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है, तो नो. ओके, ट्री पे कौन रहता है बताओ? एक तो बर्ड्स रहती है और एक मंकीज. समझ में आया? थर्ड देखो, एलिफेंट्स लीव अंडर ट्रीज. क्या एलिफेंट्स होते हैं वो पेड़ों के नीचे रहते हैं? नो, यहाँ पे नो होगा. क्यों? क्योंकि एलिफेंट परमानेंटली नहीं रहते हैं. ये क्या कहते हैं, पूरे जंगल में घूमते रहते हैं, ये रहते नहीं है ट्रीज के नीचे. ये ट्रीज के नीचे आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं. समझ में आया? तो बेटा आज के लिए इतना चैप्टर आई थिंक इनफ है ना. और कल वाली क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट ईटिंग हैबिट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड हाउ टू वी सेव देम. सो सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ.